इससे पूछ रहा हूँ क्यों आती तू यहाँ पे। कमेंट आती है तेरी, मैं इसलिए नहीं आ रही थी। When we wake. Hey guys, good afternoon, welcome back to our new vlog. तो फिलहाल आज संडे है और संडे की बार 2:00 कितनी बज रही बाबू? 1:15 1:15 पे नीचे आ रहा हूँ नहा के, और विदित ने तांडव कर रहा है। विदित अभी अभी छोया है, वो माच उसका नाम नहीं लेते, और ये सो नहीं रहा है। आज संडे है तो कहीं घूमने चले। घूमने की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारी गाड़ी कल सर्विस सेंटर से है ना, तो कितनी चमक रही है देखो, इसलिए घूमने की बात कर रहा हूँ। इसको देखता हूँ तो बस घूमने का मन करता है मेरा कि बस उठाओ और लेके जाओ। सच्ची में कैसी चम चम चमक रही, काली कलर की। सामान कर रहा है अभी घूमने निकल जाओ, पर धूप देखो कितनी तेज हो रही है। शाम शाम को हो सका तो कहीं भी जाएंगे घूमने के लिए हम। तो फिलहाल हमारे शूज वगैरह धुल गए, पर जो नहीं पहनता जाता वो धुले। ये भी नहीं पहनता हूँ, ये भी नहीं पहनता, ये पहनता हूँ, धुल गए। बोलो सर। बेटा तू तो संडे अभी तू तो सो रहा था ना बेटा, कहाँ से जरा बिस्तर पे आड़ा पड़ा और हो गई नहीं, जल्दी जाओ सो जाओ। सोएगा तो लेके जाऊंगा, नहीं तो नहीं लेके जाऊंगा। शाम को लुढ़क जाता है तू, कहीं नहीं हुई नींद, जा। हे गाइस, तो फिलहाल संडे स्पेशल में क्या बना है? कहाँ रखे आलू बड़े? आलू बड़े तेल की चीजें नहीं खाता यार मम्मी, में ये आलू के पराठे भी नहीं खाता। हे गाइस, तो फिलहाल अभी हम दाल चावल आलू बड़ा दही और पराठा खा रहे हैं। फिर तो फिलहाल यहाँ पे वीडियो एक्सपोर्ट हो रहा है, फिर इसको अपलोड करना है, और फिलहाल अभी हम बनाए थे रील यहाँ पे, अदिति तैयार हो रही है। और फिलहाल रील वील बना के ना हमको अर्जेंटली जाना है विदित और अद्विक दोनों को पोलियो की दवा पिलवाने, और भूल ही गए थे हम तो, अभी एकदम से याद आई। तो फिलहाल अभी फटाफट वीडियो बनाएंगे और फिर फटाफट जाएंगे। तो कैसे ना, बहुत से लोगों बोलते हैं, आते हैं कुछ लोग ऐसे जो बोलते हैं कि अदिति सिर्फ रील बनाते टाइम उसकी हालत अच्छी हो जाती है, वीडियो बनाते टाइम उसकी हालत अच्छी हो जाती है, बाकी काम करते टाइम उसकी ख़राब हो जाती है। तो काम करती है वो, और वो मैं दिखाता नहीं है, ये काम करती है। वीडियो बनाने भी हमारा एक काम हो गया, वो भी काम है। वीडियो हमारा एक काम है अब, पहले काम नहीं था, पहले तो बस इसे बनाते थे, पर अब मजबूरी में हमको बनाना ही पड़ता है, तो ये भी हमको करना पड़ता है, वो भी करता है, ये दिखाता हूँ वो दिखा नहीं पाता मैं। तो फिलहाल जो लोग बोलते हैं उनको बोलने दो, आपको अच्छा लगता है ना बस, तो आप देखो, बाकी जो लोग बेकार हैं उनको जाने दो। हमको सिर्फ आपसे प्यार है, और आप ही हमारे सब कुछ हो, इसलिए मैं आपसे सब कुछ शेयर करता हूँ, बाकी कुछ लोग है बोलने वाले, बोलने दो। फिलहाल अदिति यहाँ पे तैयार हो रही है, फटाफट तैयार होगी, रील में बनाएंगे और फटाफट जाएंगे हम। हे गाइस, तो फिलहाल वीडियो अभी भी अपलोड हो रहा है, मैं नीचे लेके जा रहा हूँ इसको। आए मेला बुग्गा, आ बेटा, हाँ हाँ चलेंगे, दवाई पीने जाएंगे, पोलियो दवाई, थोड़ी सी दवाई पियेंगे फिर घूमने चलेंगे। दवाई डालें। चल बाबू फटाफट झाड़ू निकालो और चल तो जल्दी जल्दी, नहीं तो वहाँ पे पोलियो वाले चल जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं तो तेरे से तो जिंदगी भर कई काम खत्म ही नहीं होता। बुग्गा, ए बुग्गा, पापा इधर बात देख तो ले, तू ना छत देख तो नहीं आकल की उधर मुकर। हाँ जब बाबू, तो हमारे शूज लाइन पर से सूख रहे, दो इतने खराब जूते हो गए, देखो है ना, फिर भी इनको धो के रखना है इन्होंने, ये देखो। अरे क्या हूँ क्या कर रहे, देखो अब इसे पाव कैसे डालूंगा, इधर इधर देखो, तुम पाव डालूंगा तो कहाँ से आएगा पाव बाहर, है अब बता, ऐसे जूते पहनूंगा मैं? फेंको ना, तो उसको और धो के रखे, देखो सही। मैं तेरे को ऐसा बोल रहा हूँ, कहीं रोटी मोटी हो, आटा माटा है ना, तो रोटी सेकनी हो तो आ जाना इधर, गाड़ी देख तब पर खतरनाक काला काला भयंकर, तब तक तेरे को बिठा देने तो उछले दो तो हाथ। ये हमारे MRF के टायर वाले चप्पल देखो ना, कैसे बड़े बड़े शरीर से बड़े चप्पल दिखते हैं। फिलहाल हमारी गाड़ी तो भयंकर ही तपरी होगी, हाँ मजा ही आ गया। गर्मियों में हमारे यहाँ का टेम्परेचर 46-47 डिग्री होता है, तो हम क्या कर ए 48 डिग्री होता है हमारे इधर, तो गर्मियों में मैं क्या करूँगा, गाड़ी को धूप में खड़ी रखूँगा और फिर एक रोटी बनाऊंगा और रोटी इस पर सेकूंगा, सच्ची में सेकूंगा एक रोटी तो। ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, हाथ नहीं रख सकते हो आप ब्लैक कलर पे, तो उस पर रोटी बनाएंगे या फिर ऑमलेट बनाएंगे इसके, नहीं ऑमलेट तो गलत चीज़ हो जाएगी, पब्लिक देखे नहीं देखे, पर रोटी बनाएंगे हम। पॉपकॉर्न भी बना सकते हैं, इससे पॉपकॉर्न बन जाएगा अभी। चलो, जिस दिन से गाड़ी लाया उस पर आज तक कपड़ा नहीं लगाया, आज शुभ मुहूर्त निकला है तो आज धोएंगे, पोछेंगे गाड़ी को सिर पर, बाकी इनको तो ऐसे ही रहने दो।
ये काले कलर पे ना दाग, बाबू स्क्रैच भी लग गई। बाबरे ये स्क्रैच किसने मार दी? और आप गाड़ी पूछते हो जब भी पता चलता है कि स्क्रैच काला की है। ये बहुत सारे स्क्रैच है, इसको हम एक गिनती लेंगे। एक स्क्रैच, ये दो स्क्रैच, और दे बताऊंगा मैं आपको बीच में कहाँ लगी स्क्रैच। सॉरी, तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, और स्क्रैच 10 11। मेरी गाड़ी है कि क्या है ये? 12 13 14। लोगों ने ना इसलिए ब्लैक कलर नहीं लेते, स्क्रैचेस बहुत जल्दी लग जाते ब्लैक कलर पे। चलने तो गाड़ी हाँ, तो ए सी चलने दूंगा ना, बंद का कर रहा मैं एसी तेरा। आ जा तो दरवाजा लगाओ। वो देखो कैसा दिख रहा है उसके भाई को, अद्वित विदित कैसा दिख रहा है बेटा। जब भी माँ दरवाजा लगाए ना तो ये देख, इस जगह पे हाथ मत रख देना गलती से ना, नहीं तो हाथ की उंगली चिपा जाएगी। और कैसी पप्पियन दिया करती है, लिपस्टिक चिपकाया करती तो। तो गाइस फिलहाल अभी हम जा रहे शिप पीछे, शिफ्ट थी भाई, देख पीछे देख, शिफ्ट थी, मैंने सीधे पीछे ले जा रहा हूँ, आगे लेन दे, नहीं तो एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी को चपटा कर देता मैं। ये सिर अड़ा देता ना बाबू, मैं दिखता ही नहीं वहाँ पे कि कौन सी गाड़ी क्या खड़ी है। ये वाली गाड़ी से वाली गाड़ी को नुकसान पहुँचा देता, दोनों गाड़ी ठोका जाती है एक साथ। अच्छा वो सही टाइम पे देख लिया मैंने। ये पता बाबू क्या करता है पता, ये ऐसा खड़ा हो जाता है, वो कांच पूरा ऐसा ढका जाता तो साइड में क्या हो रहा होगा दिखता नहीं मेरे को। और सेठ को देखो, सेठ बैठे ऐसा हाथ रख के ऊपर। चलो चलो ये गाइस, तो पोलियो की दवा यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने ही यहाँ पे पिलाते हैं, कुछ भी नहीं होगा, बस हो गया गई। डिग्गू भी पिएगा यहाँ पे, हाथ बताओ। हाँ गया काम छे, डिग्गू तो गया काम छे, डिग्गू तो गया काम छे अब। हे गाइस, तो पता है हर कॉलोनी में पोलियो की दवा पिलाने आते हैं, पर सिर्फ हमारी कॉलोनी में नहीं आते, क्या पता क्यों। तो हमको यहाँ पे पोलियो की दवा पिलाने आना पड़ा, और अभी ना मेरे को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके बोलना पड़ेगा फिर आएंगे, क्योंकि हमारी कॉलोनी में समथिंग 7 से 8 बच्चे पर दवाई पिलाने आते ही नहीं है। अभी हमको हमारी कॉलोनी में देखने पड़े, 2 बच्चे तो हमारे, यदि पोलियो दवा पिलाना भूल गए मतलब बेचारों कुछ हो जाए ना, पोलियो हो जाता है, इसलिए दवाई पिलाना ज़रूरी है। माजा नहीं थी, नहीं थी फ्रूटी थी, मेरे लिए माजा बुलवाने वाले, माजा नहीं फ्रूटी है। चले घर ले सही से कर कर बेटा, मैं भी मम्मा मैं भी, कोई छोटू वाला मिला है ना आते ना है। वो अगले ये वाला 2-3 महीने रुक, वो भी बता देगा कि पापा अब मैं भी हूँ। फिलहाल यहाँ पे बन रही है, ये क्या है, मैं बोला मैगी है, ये क्या है, मलाई बन रही है ये, सॉरी मलाई नहीं, ये मलई का घी बन रहा है, मतलब दूध की मलई निकालते हैं हम उसका, फिर घी बनाते हैं प्योर घर का। बुग्गा मैगी खाएगा मेरा बुग्गा, विदित 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 भैया तो कोचिंग गया, आप मैगी खाओगे विदित, मैगी मैगी। तो गाइस फिलहाल मैगी बन गई, और मैगी में ऊपर से मसाला डल रहा है, और तो घी मलई, मलई को मम्मी ने तपा तपा के ये घी बना दे, तो मलई नीचे बैठ जाएगी ऊपर, ये घी जो देख रहे हो ये घी है, थोड़ा तो पाएंगे तो घी अच्छा पक जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल हमारी मैगी बन गई, और पूरा मसाला ऐसा ऊपर से डाल दे, टेस्टी लगता है। कहाँ जा रहे हो आप, किसके साथ जा रहे हो? दादा दादी के साथ जा रहे हो, वाओ थाल से जा रहे हो, वाओ अधिक थाल से घूमी घूमी करने आ रहा, चलो अपनी गाड़ी दूर से देख के मजा आता, मैं चलाता से देखने में उसको मजा आ रहा है, मैं खुद चलाता है पता नहीं चलता है, पर अभी जब देख रहा हूँ दूर से पापा लेके जा रहे हैं तो गाड़ी चलते हैं, मेरे को देखने में मजा आ रहा है, अपनी गाड़ी अपन को दूर से देख के मजा आता है, यकीन नहीं होता मेरे पास इतनी अच्छी गाड़ी है। और ये जो गाड़ी है वो सिर्फ और सिर्फ आप सभी के प्यार की वजह से मेरे पास है। तो मैंने कभी एक बात बता, सच बोलूँ, ये गाड़ी और थार, ठीक है, ये सभी आपके प्यार की वजह से, नहीं तो मैं एक चीज़ ये चीज़ भी खरीदने के बारे में सोच नहीं पाता था, साइकिल। मैंने ये भी नहीं सोचा था कभी मैं एक साइकिल लूँगा, वो अच्छी वाली एक साइकिल लूँगा, उसको चलूँगा। गाड़ी तो पापा ने ला के दी थी, पर खुद के पैसे से एक साइकिल लेके चलूँगा। सब कुछ है आपकी वजह से, थैंक यू। ये गाइस लाओ, कितने पैसे लाओ, इधर दे पैसे, मेरे विदित के पैसे पार्टी कर लेंगे। विदित आपकी बीची खुली है ना, तो आज पार्टी विदित पार्टी दे देना, पैसे ते छाले, तो आज हमारे विदित की बीची खुली है 6 छोलू पे की। ये 600 तो नहीं, आधे ने आधे दिए,
पर इसकी आज हम पार्टी कर लेंगे, है ना विदित? ले भाई तेरे बच्चे। तू मना कर देगा ना पार्टी करने का, मेरे पैसे, मैं अच्छे कुछ भी खाऊंगा पीऊंगा, चॉकलेट खाऊंगा, ₹10-20 से हर हफ्ते खुलती, हर हफ्ते ₹20 से बीसी खोल रहे बच्चे। पोंशालानी बली छयानी चुंती डाना। हे गाइस, तो सीतू आ गई है घर पे। क्या बगावत है? क्यों आ जाती तू बार बार हमारे घर में? जा निकल यहाँ से। तुम्हारे ऊपर भी किसी ने सुसु कर दी। हाँ, क्यों आती तू बार बार सीतू हमारे घर? क्यों आती है? को बुलाया। तेरे घर आकर यहाँ क्यों आती बार बार? बुलाया हम तो, हमारे इधर ही पड़ी रहती है क्यों ये? हमको तो बुलाया। कमेंट आ रही थी कब की, इसलिए बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ, इससे पूछ रहा हूँ क्यों आती तू यहाँ पे। कमेंट आती है तेरी, मैं इसलिए नहीं आ रही थी। अरे तो मैं पब्लिक को बोल रहा हूँ क्यों आ रही है ये। कहा मुंबई? तो मुंबई जा रहे ना, तो ये अकेली रहेगी क्या? नहीं रहेगी ना, नहीं रहेगी, पब्लिक कमेंट करती इसलिए डर होने लग गई। और कमेंट क्या आती है? अदिति की भी आती है। अदिति फालतू बैठी रहती, काम नहीं करती, इसलिए उसके बारे में भी आज बोला। बोला कि नहीं बोला तू बता? ए बुरा लगता कि नहीं इंसान को? लोगों ऐसे बोलते हैं कि ऐसी तो यहीं पे पड़ी रहती है। मैं बोल देते तो पहले दंगे हुए ले, क्यों क्या दंगे हो क्या रे? पहले ही दंगे हुए, तुमको क्या बोल रहे थे कि चुप हो जाओ चुप हो जाओ? अच्छा, जब ही रोने लगे बहाना मिल गया है कि अब तो मेरे हूं नहीं। क्यों भाभी यार ऐसा नहीं बोलना, उसकी मम्मी का घर है और उसका घर है, ये घर पे रहते नहीं है तो अकेली रहेगी इसलिए यहाँ पे आती है। और मेरा घर हमारा घर, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो दूसरा लोगों को क्या प्रॉब्लम? इसलिए मैं इग्नोर ही करता था सबको, पर अब अति हो गए थे इसलिए बोलना पड़ता है हमको। लोगों कमेंट करते थे इसलिए बोला मैंने, ऐसे नहीं बोला। लोगों का मुंह चुप कर लाने के लिए बोला पोंछा लानी, बोलना मेरी नानी का गले मेट आऊंगी यहीं पे लूंगी, मैं तो मेरी नानी के घर ही लूंगी, या कोई प्रॉब्लम किसी को मैं मेरी मामा के घर ही लूंगी, मेरे मामा को पुण्य लगता है। 100 ब्राह्मण एक भानिज, मतलब 100 ब्राह्मण मतलब 100 पंडित को खाना खिला दो और एक भानिज को खिला दो, एक भानिज को खिला दो 100 पंडित के पेट में खाना चले जाएगा। इसलिए माली पोंछा लानी को मैं और कितनी क्यूट लग रही है तू मेरी बेटी, कितनी क्यूट लग रही है। चलो घूमे घूमे करके आए अपन। चलो तो बेटा पोंछा घुटने घुटने चलो तो, एक घुटने घुटने चलो तो पोंछा लानी, ओ मेरी परी, ओ पली, घुटने घुटने चलो तो। जो चलती है घुटने घुटने खड़ी होती है और वापस गिर जाती है। अब 10-15 दिन में घुटने घुटने चलना सीख जाएगी। देखो 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 तो चली पोंछा, चल बेटा चल, चल आ गया, चल आ गया, चल आ जा, चनो 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अले 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 मेरा पोंछा लाना है, चका कर ला है, घुटने घुटने चनो पोंछा लाना, अले 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 अले। देखो सीतू ऐसे कैसे रोने लग गई थी, इसलिए बोलता हूँ पढ़ते कमेंट सब्जेक्ट पढ़ते, बुरा भी लगता है क्या करें। कि पोंछा तेको वो तो नहीं लगता ना बुरा, तू तो आएगी ना मामा के घर में, बोला मैं तो यहीं लूंगी मामा के घर ही लूंगी मैं तो। ठीक है, तो फिलहाल मम्मी पापा गए थे तो अभी ये डेरमिल्क वो सॉरी ये चॉकोबार लेके आ, विदित को देखो। अरे तो छोड़ जो तोड़ता है वो, ये देखो तू तेरे हाथ से नहीं, हम खिलाना है तो खाना तो खा, जो तोड़ ही रहा है सीधे तोड़ रहा है। क्यों रो रहा? क्यों क्यों? बर्थडे पार्टी में नहीं ले गया मैं छोरी को, चटा देना बेटा जरा सा, उसने आइसक्रीम खाई ना इसलिए खास रहा। अरे टेस्ट आएगा, गए थे बर्थडे पार्टी में आपको पता नहीं है, गया टेस्ट, टेस्ट आया चॉकलेट का। ले बेटा अब मत देना, उधर जाए खाता नहीं तो रोता है फालतू में, हम नहीं देते तेको। नहीं 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 नो, अरे उधर जाना बेटा, तू भी उधर जाके पीना, इसके सामने मत पिया कर, जा तो जरा भाई को खाने भी नहीं देगा क्या? ताओ ताओ कितना खा रहा है बाबू, कितने गिने अपन ने? देख ऐसे गिन लो, देखो रुको गिनाता हूँ, ये 5 है इसके अंदर, 1-2-3 रो, ये 1-2-3 4 5 ये 5 ये 5 ये 5 ये, ये टोटल 140 है ना, 140 गेम डाउनलोड करके रखे, और वो भी अपन सूरत गए इंदौर गए उतनी देर टाइम। अदिति इसको समझा, रो रहा है ये, रोन दो मोबाइल मोबाइल दे 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 दे, हाल तो उसको सिर पे मत चढ़ाओ, रोएगा 1 घंटा रोएगा 2 घंटे रोएगा।
ले बेटा थोड़ी देर चला ले, बाद में गेम हटा दूंगा मैं, दे दूंगी मैं मोबाइल, मोबाइल इधर दे। अरे उसके हिसाब से गेम बता देगा वो, वाले गेम अनइंस्टॉल नहीं करेंगे अपन। ले बेटा बता कौन कौन से अच्छे लगते हैं, खेलने की जरूरत नहीं है। अरे कौन कौन से अच्छे लगते हैं, हाथ दुखते हैं उसके, पांव दुखते हैं। चुप, जल्दी बता कौन कौन से अच्छे लगते हैं। अरे कौन कौन से गेम अच्छे लगते हैं ये बता मेरे को, इसमें से जल्दी बता।